हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली के एक निजी होटल में गोली चलने का मामला सामने आया है। वारदात में दो लोगों की मौत हुई है, वहीं एक महिला घायल हुई है। ये लोग बाहरी राज्य के हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। होटल के कमरे को सील कर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है। जानकारी के अनुसार होटल में पार्टी का आयोजन किया गया था। सुबह के समय होटल के अंदर गोली चलने की आवाज आई। गोली की आवाज सुनकर होटल कर्मचारी कमरे की तरफ गए। कमरे में देखा तो दो लोगों को गोली लगी थी और एक महिला घायल अवस्था में पड़ी थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। होटल व्यवसायी ने दूसरे व्यक्ति को गोली मारी और बाद में खुद को भी गोली मार ली। मामला अवैध संबंधों का बताया जा रहा है। व्यवसायी ने अपनी पत्नी को गोली मारी थी, लेकिन वो बाल बाल बच गई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दिल्ली की महिला लवलीन ने अपनी महिला मित्र के साथ मनाली में होटल लीज पर लिया है। दिल्ली की महिला लवलीन ने किसी महिला मित्र के साथ मनाली में होटल लीज पर लिया है। महिला का पति ऋषभ सक्सेना दिल्ली का रहने वाला था और जीबी में होटल चलाता था। तीसरा व्यक्ति सन्नी हरियाणा का रहने वाला था और मनाली में होटल चलाता था। ऋषभ और सन्नी की मौत हो गई है। एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़ के साथ।